मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बार में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल यह सोचिए, यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह के ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नीति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती है हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसलिए जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो। जन्म सफल होगा, अगर कोई आपका दिल दुखाया तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही अपनों को याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझें, खुद किसी जीव को न मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारे भाग्य लिख देती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है।
मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इस स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। लोग कहते हैं, जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता क्यों करनी? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए। वो अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में कौन आपसे मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, नहीं दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लीजिए, कितने भी पवित्र शब्द बोल लीजिए, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं है।